उठा लगा और इस संकल्प वाला सरकार का उखाड़ के फेंकना है। अभी नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा है छत्तीसगढ़ में, कुल 15 जगह चुनाव है, 4 नगर निगम है, 5 नगर पालिका है, 6 नगर पंचायत है और नरहरपुर भी नगर पंचायत में है। और प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा सभी जगह जाना हुआ है और सभी जगह कार्यकर्ता हमारे नेता लगे हुए हैं पूरी तरह से चुनाव काम में। और मतदाताओं में भारी उत्साह है, भारी उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं क्योंकि एक उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए थे लेकिन 3 साल में यहाँ की कांग्रेस की सरकार उनकी उम्मीद में पानी फिरने का काम किया है। एक तो विधानसभा के समय जो 36 वादा इस पार्टी ने किया था, 3 साल हो गया है सरकार का, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आधे कार्यकाल से ज़्यादा समय बीत चुका है लेकिन एक भी वादा इस सरकार पूरा करने में सफल नहीं हुई है, बल्कि उल्टे 3 साल में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहीं कोई विभाग कोई दफ्तर चले जाए बिना पैसे का काम हो नहीं रहा है, अधिकारी बोलते हैं कि ऊपर हम लोगों को पहुंचाना पड़ता है और 42,000 करोड़ का कर्जा इस सरकार ले चुकी है लेकिन धरातल में कहीं भी उसका इस्तेमाल दिख नहीं रहा है। कहीं ना नया रोड बन रहा है, ना कहीं कोई नया अस्पताल बन रहा है, ना कहीं नया कोई स्कूल घर बन रहा है, कुछ भी नहीं विकास का काम हो रहा है। ये सारा पैसा अपने आकाओं को खुश करने के लिए, यहाँ का मुख्यमंत्री कभी आसाम चुनाव में पैसा खर्चा करता है, अभी यूपी चुनाव है तो यूपी में पैसा को भेजने का काम कर रहा है और ये जनता 3 साल में इस बात को समझ चुकी है और नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजा चखाना चाहती है और 2023 में तो निश्चित रूप से इस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। सर, आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।